हाय फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करेंगे। देखिए, इससे पहले हम शुरू करें, मैं आज आपको एक पहले एक इसकी शुरुआत जो है एक कोटेशन से करना चाहूँगा, जो आपको एक तरह का एक टिप भी होगा कि एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। वो कोटेशन ये है, स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। देखिए, अब इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप परफेक्ट होने के लिए स्ट्राइव मत करो, आप ये देखो कि आपका रोज़ जो है प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। आप डेली एटलीस्ट 1% इम्प्रूव करते जाओ तो साल के एंड में सोचो आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके होंगे। देखिए, इसका एग्ज़ाम से रिलेशन ऐसे है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हमें उन्होंने एक बुक पढ़ी या दो बुक पढ़ी लेट से, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो उन बुक्स में से नहीं था, तो क्या करेंगे, वो बुक का क्वेश्चन ढूंढेंगे कि वो बुक का जो क्वेश्चन आया है उस किसी और बुक में से कैसे आया, वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है तो कौन सी बुक है, तो वो जो बुक होगी फिर वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उन्हें एक और ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो उस बुक में भी नहीं है, फिर कोई और बुक पढ़ेंगे, परफेक्ट होने की ट्राई करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। देखिए, 200 में से 200 जनरल स्टडीज़ के पेपर में किसी के भी नहीं आते, टॉपर के भी नहीं आते, इसलिए हमें प्रोग्रेस देखना है, परफेक्शन नहीं देखना। चलो अब शुरू करते हैं ये चैप्टर 2। चैप्टर 2 का है जो टाइटल है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अधिकार संविधान में जो दिए हुए हैं वो क्या हैं। अब देखिए, यहाँ पे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो मैंशंस द लिमिट्स ऑन दीज राइट्स। जो हमारा संविधान है उसका जो तीसरा पार्ट है उसमें ये राइट्स दिए हुए हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, और ये इन पे जो लिमिट्स हैं, इनकी लिमिटेशंस हैं, वो भी इन्हीं में ही मेंशन कर दी गई हैं। अगला जो है हमारा जो टॉपिक है इसमें, बिल ऑफ राइट्स। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिल ऑफ राइट्स होता क्या है। कोई भी जो डेमोक्रेसी है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सिटीजन्स के पास राइट्स होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट उन राइट्स को रिकग्नाइज भी करती है, तो वो उन जो राइट्स की लिस्ट होती है ना, उसे हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। जो बिल ऑफ राइट्स है ना, देखिए यहाँ लिखा है, बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। इवन सरकार भी जो है एक्ट नहीं कर सकती इन राइट्स के अगेंस्ट, और अगर हो जाता है, अगर आपका किसी का भी राइट वायलेट हो जाता है, तो रेमेडी भी प्रिस्क्राइब्ड होती है, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे में है। अब ये देखिए, आप पूछेंगे कि फ्रॉम हुम डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो राइट्स है ना, हमारे कौन कौन इन्फ्रिंज कर सकता है और उसके किन के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है। देखिए, राइट्स हमारा इन्फ्रिंज कोई और पर्सन कर सकता है, जैसे अनटचेबिलिटी है, तो हमारे में कुछ लोग कई हम देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी अनटचेबिलिटी इन वन फॉर्म और द अदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस केस में जो है वो एक कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो राइट टू इक्वालिटी, मान लीजिए राइट टू इक्वालिटी वायलेट कर रहा है, कहीं आपको आपका कोई ना कोई जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज कर रहा है, या गवर्नमेंट खुद कर सकती है, तो इन सब से प्रोटेक्ट करता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रेमेडी भी दे रखी है इन केस कि कोई आपके फंडामेंटल राइट्स पे इन्फ्रिंज अपॉन कर रहा है। इन्फ्रिंज अपॉन का मतलब होता है ट्रांसग्रेस, मतलब इंटरफेयर कर रहा है आपको अपना जो राइट है उसको ड्यूली एक्सरसाइज या ड्यूली इंजॉय करने से रोका जा रहा है। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले डिमांड करी थी मोतीलाल नेहरू जी ने, 1928 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें उन्होंने बिल ऑफ राइट्स जो है उसकी डिमांड करी थी। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें स्पेशली कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बुलाते हैं। अब इन्हें फंडामेंटल राइट्स ही क्यों बुलाया जाता है, इन्हें फंडामेंटल इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि देखिए, एक रीज़न तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई हैं और सेपरेटली लिस्ट किया है बाकी राइट्स से, ठीक है, और दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा एक मैकेनिज्म बना दिया कि इवन गवर्नमेंट भी चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि ये फंडामेंटल इसलिए भी बोला जाता है कि दे आर नेसेसरी फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये है, फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। देखिए, राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसा होता है, राइट्स
राइट्स के नीचे आते हैं हमारे डिविजन्स होती है बहुत सारी. एक हो गया ह्यूमन राइट्स, ठीक है. ह्यूमन राइट्स होता है कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको जो जो राइट्स होने चाहिए, ठीक है. और उस ह्यूमन राइट्स में जो है उसके नीचे एक और डिवीजन आती है जिसे हम सिंपल बोलते हैं कि वो लीगल राइट्स है. लीगल राइट्स का सिंपल मीनिंग यही है कि जो लॉ हमें राइट्स देता है, ठीक है. अब लॉ दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी एक लॉ है ना, एक दूसरे एक्ट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उसमें भी दो टाइप के राइट्स होते हैं. जो ये वाले जो राइट्स हैं जो एक्ट्स वगैरह के थ्रू होते हैं इन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, ठीक है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं इनका ये दो टाइप के होते हैं. एक तो हैं कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशनड है. और दूसरे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोला जाता है उन्हें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, बट ये पार्ट थ्री में मेंशनड नहीं है. हमने पहले फर्स्ट पेज पे देखा था ना इंट्रोडक्शन में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थ्री में दिए हुए हैं, ठीक है. और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में, क्योंकि इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोटेक्ट करता है. और जो ये लीगल राइट्स हैं इनको ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, कोई एक्ट हो गया, कोई लॉ और कुछ बन गया, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं. और इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इनको अमेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है. स्पेशल मेजॉरिटी आगे हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है. चलो आगे बढ़ना है. देखिए अब बात आती है राइट टू इक्वालिटी. ये जो आप ये दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना, इसमें आप देखोगे कि यहाँ कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और यहाँ जेंडर के बेस पे हो रही है, ठीक है. आगे अब ये देखिए यहाँ दिया हुआ है राइट टू इक्वालिटी. पहले तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना इसका यहाँ ओवरव्यू दिया हुआ है, जो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है ना इनकी, जब ये लक्ष्मीकांत करेंगे तभी करेंगे. फिलहाल इतना इस बुक में जितना दिया हुआ है हम वही कर रहे हैं. देखिए राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, ठीक है. ये सारे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है. इसमें आप देख सकते हो, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये हम अभी बिल्कुल अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है. फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम, ये है आर्टिकल 19 से 22 तक. और उसके बाद जो ये है ना इस साइड पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 23 और 24 हैं. 2017 में एक प्रिलिम्स में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से राइट्स आते हैं, तो उसमें एक ये वाला भी राइट दिया हुआ था, माइनॉरिटीज़ वाला. लेकिन ये जो आंसर था उसमें, जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर में माइनॉरिटीज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट में है, ठीक है. तो ये भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोगों का गलत हुआ था. तो ये भी हमें याद करना है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से आर्टिकल नंबर्स आते हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, उसमें क्या बोला गया है, ठीक है. अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सेकुलरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है. वो भी हम इसी चैप्टर में अभी डिस्कस करेंगे. तो ये है आर्टिकल 25 से 28 तक. उसके बाद जो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैं जो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड हैं, ये आएगा 29 से 30. देखिए कुछ भी जो माइनॉरिटी वर्ड आ गया ना जिसमें, तो उसका जो आर्टिकल नंबर होगा ना वो या 29 होगा या 30 होगा. उसके बाद ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो है आर्टिकल 32 में. इसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसके बिना तो बाकी सारे आर्टिकल जो है ना वो उनकी जो एनफोर्समेंट है वो तो बहुत खतरे में आ जाएगी. अब आगे चलते हैं. देखिए जो हमारे देश में थी ना, यहाँ दिया उन्हें एग्जांपल का, देखिए जेंडर के बेस पे हो रही है या कास्ट के बेस पे. तो राइट टू इक्वालिटी जो है ना ये बोलता है इट ट्राइज टू डू अवे विद सच एंड अदर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. इसमें कुछ भी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना वो कहता है कि किसी भी चीज़ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. देखिए ये ग्राउंड्स आपको याद होने चाहिए. इनको याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ. इनको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है. देखिए एक दो बार तो आर डाल दो, उसके बाद आर के बाद क्या आता है ए बी सी डी में, आर के बाद एस आता है, ठीक है. और उसके बाद आप एक बी डालना है और बी के बाद सी आता है. तो ये हो गया रिलीजन, रेस, सेक्स और ये है प्लेस ऑफ बर्थ, और इससे आ गया हमारा सी वाला कास्ट.
इन इन फैक्टर्स के बेस पे कोई भी है, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल है चाहे गवर्नमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये वैसे आर्टिकल 15 से रिलेटेड है ये जो दिया हुआ है पब्लिक प्लेसेस में। ठीक है, और फिर ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला ये आर्टिकल 16 में आ जाता है। अब देखिए, अनटचेबिलिटी हमारे देश में ये छुआछूत जो था तो ये बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट होता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए स्पेशली जो है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ कि जो भी किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी करेगा उसके लिए उसे पनिशमेंट होगी। ठीक है, और उसके बाद जो आर्टिकल 18 आता है उसमें क्या है कि पहले बहुत सारे लोग टाइटल्स लेते थे, राय साहब, राय बहादुर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या है कि इक्वालिटी लाने के लिए कि सब बराबर हैं, इसलिए कि कोई भी आदमी जो है टाइटल नहीं लगाएगा एक्सेप्ट कि मिलिट्री उसका जो या जनरल है या उसको परमवीर चक्र मिला है या एकेडमिक फील्ड में जैसे पीएचडी वाले डॉक्टर लगा लेते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं अलाउड है। ठीक है, यहाँ देखिए बात की हुई है प्रेम्बल की, जो प्रेम्बल होता है ना तो उसमें भी इक्वालिटी की बात की हुई है। इक्वालिटी, ये देखिए आगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई सो कॉल्ड हाई कास्ट से है तो उसको ज़्यादा मिलेगी या कोई सो कॉल्ड लो कास्ट से है तो उसको कम मिलेगी या कोई मेल है तो उसको ज़्यादा मिलेगी या कोई फीमेल है तो उसको ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इक्वालिटी के केस में देखिए यहाँ दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ क्लैरिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ही कि बैकवर्ड क्लास के लिए या विमेन और चिल्ड्रन के लिए अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्पेशल मेजर लेती है तो वो राइट टू इक्वालिटी को इन्फ्रिंज नहीं करेगी। जैसे रिजर्वेशन जो है इन जॉब्स एंड एडमिशंस, तो अगर ये रिजर्वेशन जो है इट इज़ नॉट इन्फ्रिंजिंग अपॉन द राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ये देखिए एक्सप्लिसिटली दिया गया है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने वाला हूँ। देखिए आर्टिकल जो 14 है ना हमारा, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, वो राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। जैसे हमने पहले देखा आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, एक होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक होती है इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इन दोनों में डिफरेंस है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही हैं। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो होती है ना, ये एक्चुअली ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, हमने ब्रिटेन से लिया था, बोरो किया था वहाँ से, और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि ये सिंपली ये बोलता है, नेगेटिव मतलब बुरा नहीं है, नेगेटिव का मतलब ये है कि कुछ इसमें मतलब कुछ आप देखेंगे ना कि इसकी जो वर्डिंग है ये बोलता है कि नो मैन इज़ अबव लॉ, ये सिंपली ये बोल रहा है, ये गवर्नमेंट को जो है ये एग्जॉर्ट नहीं कर रहा है कि वो कुछ स्पेशल मेजर्स लें। ठीक है, नो मैन इज अबव लॉ लिख दिया कि सब लॉ के सामने बराबर है, और ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट को एक ये छूट दे दी गई है कि वो किसी स्पेशल क्लास के लिए जो इक्वली प्लेस्ड हैं तो उनके लिए वो उनको इक्वली ट्रीट करेगा। देखिए ये जो है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है ना, इसका इसमें एक टर्म आती है एजुस्डम जेनेरिस, एजुस्डम जेनेरिस। ठीक है, इसका ये मतलब है, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शैल बी ट्रीटेड अनइक्वली। इसमें क्या है, इसका ये मतलब है कि क्लास लेजिस्लेशन हो सकती है, एक स्पेशली एक जो अलग क्लास के लिए स्पेसिफिकली अलग रूल्स होंगे और दूसरी क्लास के लिए दूसरे रूल्स होंगे। इसी बेसिस पे जो रिजर्वेशन दी जाती है वो इसी बेसिस पे भी होती है। ठीक है, अब इसमें जो है, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन होती है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वो जिस बेसिस पे बनाई गई है वो रीजनेबल होने चाहिए, उसे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। मान लीजिए ये दो आदमी हैं, ये तीसरा, ये लंबा वाला। ठीक है, अब इनको इस लेवल के बाहर देखना है, तो अगर मैं इक्वालिटी अगर कन्वेंशनल सेंस में लूँ तो इक्वालिटी इन लोगों को हमें बाहर ऊपर दिखवाने के लिए ये वॉल लगी हुई है, इसको इस पार देखना है, ये दिखवाने के लिए सबको इतना इतना जो है एक ब्लॉक दे दूँ। ठीक है,
इतना इतना एक ब्लॉक दे दूँ, इक्वल इक्वल ब्लॉक दे दूँ, तो ये दोनों तो फिर भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये देख पाएगा सिर्फ, ठीक है, और एक इससे भी लंबा ले लेता जो ऑलरेडी देख रहा है, ठीक है, अगर इसको दे दें तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी देख पा रहा है। लेकिन अब इसमें ये दोनों क्लास अलग हैं और ये क्लास अलग है। अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस से जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस इनको बड़ा ब्लॉक देंगे ताकि ये और ज़्यादा देख सकें, और इस वाले को नहीं देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी देख रहा है। तो इसमें जो है इक्वालिटी, जो है जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो भंग नहीं हुआ है, वो ख़राब नहीं हुआ है। इनफैक्ट इसमें जो है इक्वालिटी फिर भी मेंटेन है, क्योंकि अब सब लोग देखने लग गए हैं, सबको इक्वालिटी हो गई है। यही रिजर्वेशन का भी यही सिस्टम है जो जॉब्स में या एडमिशन्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होती हैं, क्योंकि जो बहुत सालों से जिनके पूर्वज थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया और वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह गए, तो उनको बराबरी पे लाने के लिए ये जो है रिजर्वेशन का सिस्टम बनाया गया है। और अगर हो सकता है प्रीलिम्स में ऐसा भी ये क्वेश्चन आया नहीं, अगर ये पूछ लें कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी जो है किससे रिलेटेड है, तो इक्विटी जो है ना इसी को इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी है वो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये आर्टिकल 21 है, ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये क्या चीज़ है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देखिए अगर सिर्फ हम यहाँ तक वाला पार्ट लेंगे ना, तो इसका मतलब तो ये भी है कि जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो वो तो सुनाई नहीं सकते, क्योंकि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ है। पर एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो लॉ में प्रोसीजर है कि ग्रेवेस्ट ऑफ द ग्रेव क्राइम्स में आपको फांसी की सज़ा भी सुनाई जा सकती है क्रिमिनल को, तो वो चीज़ भी ऐड कर दी इन्होंने, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ये जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना आर्टिकल 21, वो बेसिकली इस हेडिंग में आता है, जैसे कि हमने उस टेबल में डिस्कस किया था राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में जो है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हमें जितने भी मिले हैं उनके बारे में एक बात है कि जो ये फ्रीडम्स हैं ना ये अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, हमें फ्रीडम्स इस तरह अपनी इंजॉय करनी चाहिए कि वो दूसरे की फ्रीडम को ना डेंजर में आए, एंडेंजर ना करें। देखिए यही बात यहीं लिखी हुई है, और वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी ना खराब करें। अब यही आ गया आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अब ये तो हमने डिस्कस कर दिया ना अभी ऊपर आर्टिकल 21 में कि लाइफ जो है कि प्रोसीजर लेड बाय लॉ से ही आपको डिनाई हो सकता है राइट टू लाइफ, अदरवाइज नहीं होता। अब उसमें एक और वर्ड मेंशन था पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। अब इसका मीनिंग जो इसकी एप्लीकेशन होती है ना, देखिए CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है ना उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ, और यही इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। देखिए इसका ये मतलब होता है कि आप किसी भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है, तो उस बंदे को ये जानने का पूरा पूरा हक है कि उसको किस रीज़न पे अरेस्ट किया गया है, ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट, देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अगर किसी को अरेस्ट कर लेती है तो उसके पास अपना केस लड़ने का हक है जो जिस लॉयर से वो चाहे उसी लॉयर से। ठीक है, और इसके साथ एक और कंडीशन भी होती है कि जिस आदमी को या किसी को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उनको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट वैसे जज को बोला जाता है, जज को विद इन 24 आवर्स देना चाहिए। वो ऐसे ही नहीं कि उसको अपनी जेल में रखे या कहीं और अरेस्ट करके रखा हो, उसे विद इन 24 आवर्स रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो मैजिस्ट्रेट है ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पुलिस, तो वो न्यूट्रली डिसाइड कर सकता है कि जो उसको अरेस्ट किया गया है जिस बिना पर, वो जस्टिफाइड है या नहीं है, उसने ऐसा कोई क्राइम किया था या नहीं किया था। ठीक है, और अब इसी का एक एक्सटेंशन है ये जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना आर्टिकल 21, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। क्यों? क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, जैसे इसके अंदर ना और भी बहुत राइट्स आ गए हैं, जैसे राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड, यानी राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू शेल्टर है वो भी राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है, बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट मीन्स ऑफ लिविंग। अगर
किसी के पास साधन ही नहीं है कमाई का, तो वो कैसे खाएगा, और खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। तो राइट टू जो लाइफ है, दैट इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड एज वेल। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे मेंस में भी एक केस आ सकता है, ठीक है। वो एक केस था ऑल्गर टेलिस, वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इस केस में सबसे पहली बारी बताया गया था कि राइट टू लाइवलीहुड जो है वो आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है। अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका पॉपुलर नेम टाइप करें और इसके बारे में थोड़ा सा देखें, और अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें 30 वर्ड्स में एटलीस्ट लिख लीजिए वहाँ से देख के समरी सी कि इसमें क्या हुआ था। बेसिकली मैं बता दूँ, इसमें ये था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनसे रिलेटेड केस था, ठीक है। रही से इसका जो कॉमन नेम है ना, अभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। अब ये होता है, अगला नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव डिटेक्शन। ऑर्डिनरली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो ही उसको अरेस्ट करते हैं, बट कई बार इसकी एक एक एक्सेप्शन है। वो ये बोलते हैं, ये बेसिकली आर्टिकल 21 की एक्सेप्शन है, कि उसमें ये है कि अगर सरकार को या प्रशासन को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है हु इज़ लाइकली, उनको ऐसा लगता है कि वो जाके कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा, तो उसको क्या करते हैं, वो अरेस्ट कर लेते हैं और उसको इम्प्रिजन कर लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट के अंडर, ताकि वो ऐसा ना करे, ठीक है। तो ये जो है ना, पर इसकी भी एक लिमिट है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक बार में 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 3 मंथ्स के बाद वो एक एडवाइजरी बोर्ड की तरह के सामने उसकी पेशी होती है, जो ये देखते हैं कि हाँ अब इसको और ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने की ज़रूरत है या नहीं है, यानी कि वो जो क्राइम करने वाला था उसका थ्रेट अब ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये ज़रूरी, कुछ लोग बोलते हैं कि ज़रूरी क्यों है। देखिए, इस पे मेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोस एंड कॉन्स बताने, ठीक है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को, जो हमें लगता है कि ऐसे कुछ क्राइम या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले सकते हैं, तो ये एक इफेक्टिव टूल हो जाता है गवर्नमेंट के पास कि हाँ उनको वो करने से रोक देते हैं कि पहले से वो कर ही ना पाएँ, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये कई बार मिसयूज़ भी हो जाती है, तो मिसयूज़ ना हो इसीलिए तो आर्टिकल 21 बनाया गया था। लेकिन फिर जो है, इन दोनों में ये टसल चलती रहती है, आर्टिकल 21 में राइट टू पर्सनल लिबर्टी में और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली फ्रीडम में, ठीक है। अब अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन पे क्वेश्चन आया तो मेरे हिसाब से आप लोग के पास इनफ मटेरियल है कि आप 200 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में लिख सकते हो, और याद करने का तरीका इसका ये है, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये याद रख लो कि जो प्रिवेंशन है वो क्योर से बेटर है, पहले ही प्रिवेंट कर दो, ठीक है। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट भी वही है, तो उससे आपको याद होना चाहिए। देखो, जो बाकी फ्रीडम्स दी हुई है ना, जैसे ये आर्टिकल 19 में एक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है, ठीक है। अब इसका मतलब जितनी भी ये फ्रीडम्स है ना, ये जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे सरकार रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस इम्पोज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जाओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है अगर वो पब्लिक ऑर्डर ख़राब कर रही है या पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ख़राब कर सकती है, या वो मॉरल नहीं है, कुछ वल्गर है, ठीक है, तो उस पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। और ये देखिए, जैसे दूसरा है, ये एग्जांपल लेते हैं, फ्रीडम टू असेंबल, मतलब आपको कहीं भी खड़े होने की आज़ादी है, असेंबली की आज़ादी है, लेकिन उस पे भी डाल सकती है कई बार सरकार कि जहाँ 5 और मोर पर्सन जो हैं वो खड़े हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली घोषित हो जाती है। और एक और चीज़ भी होती है कि जहाँ राइट टू हमें असेंबल मिला है, राइट टू असेंबली है हमारे पास, तो वहाँ पीसफुल असेंबली होनी चाहिए और वहाँ आर्म्स नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बंदूक लेके खड़े हो गए हो या हथियार तलवार लेके खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता। और एक और भी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, देखो ये न्यूज़ में भी है जैसे, और आप ये कोट भी कर सकते हो मेन्स में, कि जैसे अंडमान एंड निकोबार है, वहाँ ट्राइबल एरियाज़ में सब लोगों का जाना अलाउड नहीं है। अब आप बोलोगे कि हमें तो राइट टू मूवमेंट है आर्टिकल 19 के अंडर, तो हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते, हम तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मूव कर सकते हैं। देखिए, सरकार जो है वो ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए
जो है उसमें भी आप पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है उस चीज़ पे, ठीक है। पर कई बार ये भी देखो मिसयूज़ हो जाता है, पर फिर भी जो है ना कि ये एक बेसिक लेवल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसे रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं। अब आता है राइट ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड और कॉन्विक्ट में फ़र्क होता है। देखो एक्यूज तो वो है जिस पे अभी केस चल रहा है, उसका जो गुनाह है वो प्रूव नहीं हुआ है। जो कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट वो है जिसको सज़ा मिल चुकी है क्योंकि उसका गुनाह जो है वो प्रूव्ड हो चुका है कोर्ट में, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी पे केस चल रहा है लेकिन वो केस झूठा है, तो अगर उस केस में उसको भी कॉन्विक्ट की तरह जेल में डाल दिया जाए या उसको भी पनिशमेंट दे दी जाए तो ये गलत होगा ना, क्योंकि हो सकता है उसने वो क्राइम किया ही ना हो, उस पर झूठा आरोप लगाओ, ठीक है। एक्यूज कौन होते हैं? आरोपी को बोलते हैं, और कॉन्विक्ट जो होता है वो होता है मुजरिम, ठीक है। और ये एक बहुत लॉ का ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नो वन इज़ गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। जब तक कोर्ट उसे गिल्टी या कॉन्विक्ट नहीं डिक्लेयर करता तब तक वो गिल्टी नहीं है, तब तक वो कॉन्विक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फेयर ट्रायल हो उस एक्यूज का, तो इसके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में तीन राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तीन राइट्स हैं या सेफ गार्ड्स कह लो। एक तो है नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कि अगर किसी ने एक बार चोरी किया या एक बार मर्डर किया है तो उसको एक ही बार सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने एक बार चोरी करी तो उसको कुछ टाइम के लिए जेल में डाला, फिर दोबारा उसको दोबारा उसी चोरी के लिए दोबारा डाला जबकि उसने दूसरी बार चोरी की ही नहीं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक मूवी आई थी अंधा कानून, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो इसमें हीरो होते हैं अमिताभ बच्चन, उनको जो है कि पहले सज़ा मिल जाती है अमरीश पुरी के मर्डर की, और बाद में उन्हें जो है विलन का पता चलता है कि वो तो ज़िंदा था, इसीलिए वो भरे कोर्ट में सबके सामने उसका मर्डर कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है पनिशमेंट नहीं दी जा सकती कोर्ट द्वारा क्योंकि वो ऑलरेडी उस मर्डर की पनिशमेंट पहले ही भुगत चुके हैं, ठीक है। और दूसरा आता है नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आज जो है कि क्राइम नहीं है कोई, मान लीजिए पानी पीना क्राइम नहीं है, अब कल को जो है कोर्ट कुछ ऐसा रूल बना दे कि हाँ इस कुएं से पानी पीना जो है वो क्राइम है, तो मैंने इस डिसीजन से पहले या इस लॉ से पहले या ये लेजिस्लेचर लॉ बना दे कि इस कुएं से पानी पीना जो है वो क्राइम है, तो इससे पहले अगर मैंने पानी पिया होगा ना तो उस चीज़ को जो है मुझे उसके लिए सज़ा अब नहीं मिलेगी क्योंकि अब लॉ बन चुका है। हाँ अगर इसके बनने के बाद मैं पीऊँगा वहाँ से तो हो सकता है मुझे सज़ा मिले। तीसरा है नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसका ये मतलब है कि मान लो मैं अक्यूज्ड हूँ, ठीक है, मुझ पे मर्डर का आरोप है, तो पुलिस या कोई भी प्रशासन का अधिकारी कोई भी मुझे ये कंपेल नहीं कर सकता कि तू बोल कि हाँ मैंने मर्डर किया है और जो जहाँ मैंने मर्डर वेपन छुपाया है तो वो दिखा। अगर मेरी मर्जी होगी, मुझे गिल्ट फील होगा तो ही जाके मैं खुद से कर सकता हूँ, बट नो वन कैन कंपेल मी टू डू दैट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो है NHRC और इसके बाद वाला जो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ या नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट है, ये आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।